काजीरंगा नेशनल पार्क। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैशाली द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। अभी हम आए हैं आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये जो प्लेस है ये प्लेस को बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट। काजीरंगा नेशनल पार्क जाने के लिए हम लोग 6:30 बजे से लाइन में लगे हुए थे। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की शॉपिंग भी की। यहाँ की ज़्यादा करके जो चीज़ें हैं वो हैंडीक्राफ्ट है, वुड से बनी हुई है और बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। अगले दिन हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की और रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाया। रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाने के बाद हम हमारे होम स्टे पे चले गए। नेक्स्ट डे के लिए हमें पहला इंस्ट्रक्शन मिला कि जब आप जंगल सफारी जाओगे तो वहाँ पे नहा के नहीं जाना है, क्योंकि धूल और मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो, मॉर्निंग 6:30 बजे से हम लोग वहाँ लाइन में खड़े थे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जंगल सफारी के लिए। आप जीप भी ले सकते हो या फिर आप हाथी मतलब एलिफेंट राइड भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने 2 जीप बुक की थी और पर जीप हमें 3,700 रुपीज़ ये चार्जेस लगे थे, क्योंकि हमारा ग्रुप काफ़ी बड़ा हुआ था। यहाँ डिफरेंट गाइड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो आपका ड्राइवर होता है जीप सफारी का या फिर एलिफेंट राइड का, वही आपको गाइड करता है। और अंदर आपको खाना चाय के लिए होटल्स भी है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ये वुड कार्विंग से होती है। देखो, ये बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स के जो बहुत अलग अलग आपको आर्ट फॉर्म यहाँ पे दिखाई देंगे। हर एक चीज़ बहुत एंटीक है और बहुत अच्छे से बनाई गई है। आपने हाथ लगाया उसको? 3,000 ओके। और ये हाथी का 5,000 ओके। ये बांबू का बनाया हुआ है ना? और ये कहाँ पे यूज होता है? सिर्फ घर का डेकोरेशन के लिए क्या? वॉल हैंगिंग है। ये जैकेट का क्या प्राइस है? व्हाइट कलर का ये वाला? हाँ, ये वाला 650 का है। ओके, वो किस चीज से बना हुआ है? ये आपका स्लिक पार्ट होता है, पता है जो असम डांस होता है ना, बिहू डांस का कपड़ा होता है। हाँ, अच्छा, बिहू डांस में वो यूज होता है। 150 जापी। अच्छा, ये किस चीज के लिए यूज होता है? डांस के लिए है क्या? अच्छा, बाकी दूसरा कुछ नहीं क्या? ओके, आप मुझे ये जैकेट दिखा सकते हो, रेड वाला? हाँ। इसका क्या प्राइस है? यहाँ पे मैंने खुद के लिए वुडन का कॉफी मग एंड ज्वेलरी बॉक्स ले ही लिया। एंड गेस व्हाट, वुडन लैम्प। एंड फाइनली वी आर गोइंग फॉर जंगल सफारी। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे जंगल के अंदर जाने से पहले कोई भी प्लास्टिक की चीज़ या बॉटल आपके पास नहीं दिया जाता है। इवन वेफर्स के पैकेट्स वगैरह सब आपको बाहर ही खाने पड़ते हैं या फिर आपको जमा करना पड़ता है। अगर आप वाटर बॉटल भी कैरी करते हैं तो इट शुड बी स्टील, प्लास्टिक वाला बॉटल नहीं चाहिए। अंदर जाने के बाद आपको आपके मोबाइल का या कैमरे का फ्लैश ऑफ करना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एनिमल्स डर जाते हैं। और यहाँ पे शांति बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा राइनोज देखे हैं, बहुत डेंजर और ताकतवान भी होते हैं ये। अभी आपको जो दिख रहा है इसे ब्लैक हेड ईगल बोला जाता है। ये ईगल स्पेशली तालाबों के पास होता है और इसे फिश खाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए इसे फिश ईगल भी बोला जाता है। और ये हमारी पहली खुशी, हमें फर्स्ट टाइम वन हॉर्न राइनो देखने के लिए मिला है। ये ईगल का जो हमने देखा था, ब्लैक हेडेड ईगल, उसका ये नेस्ट है। ये घर बना रही है खुद का भी।
अगर आप ये जो बड़ी बड़ी घास देख रहे हो तो इस घास को बोलते हैं एलिफेंट ग्रास। एक्चुअली इसे क्यों ऐसे बोला जाता है, बिकॉज ये इतनी बड़ी जो घास है इसके अंदर हाथी और हमने जो एक सिंगी गेंडा देखा है तो ये इसके अंदर छुपते हैं, इसलिए इसे एलिफेंट ग्रास बोला जाता है। साल में एक बार इस ग्रास को जलाया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा ग्रास आ जाए। जानवर रहते हैं वो ज़्यादा सोशल नहीं रहते हैं, वो डर जाते हैं, यहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे मे बी छुपे होंगे। लेट्स सी अगर हमें कुछ दिखता है तो। ये जंगली भैंस, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, जंगली भैंस। ये आपको ये वेरिएशन दिखाई दे रहा है दोनों ग्रास के बीच में से डिस्टेंस, ये उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये एक रास्ता बनाया है उन्होंने, ऐसे रास्ते बना के वो एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं ताकि वो पानी पिए या रोड पर जो भी है वो पास करें। ये जो एलिफेंट ग्रास है इसके अंदर आपको राइनो भी दिखाई देगा, एलिफेंट भी दिखाई देगा और यहाँ पर टाइगर्स भी है। सी दिस इज डियर, यहाँ पे चार डिफरेंट टाइप्स के डियर्स दिखेंगे। हालांकि हमें यहाँ पे कोई टाइगर नहीं दिखा है, बट बोला जाता है यहाँ पे बहुत सारे टाइगर भी है। यहाँ के जंगली भैंस इतनी ज्यादा डेंजर है कि बाघ भी उससे डर जाते हैं। ना द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, हमें फिर से राइनो दिखे और हमारे गाइड ने हमें बोला आवाज नहीं। आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ एक तो कच्चा रास्ता है, बहुत सारी धूल है और कंटिन्यूसली हमारी राइड चल रही है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट यहाँ पे बहुत सारे आपको हॉक डियर्स दिखेंगे जंगल के पास, उड़ुपी बोलते हैं। देखो वहाँ पे आपको टाइगर के निशान भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो शाय तो है बट टाइम पाने पर वो अग्रेसिव भी हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ से बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ से जाते टाइम शांति मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको बताया कि ये पेड़ पे जो नाखून के निशान रहते टाइगर के, उससे वो अपने नाखून साफ करते हैं जब शिकार होता है, उसके बाद वो नाखून साफ करते हैं और अपने नाखून शार्प भी करते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेट खड़ी हुई लाइंस दिखे नाखूनों की तो समझना कि वो मेल टाइगर था, और अगर स्लीपिंग लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल, तो समझ लेना कि वो फीमेल टाइग्रेस है। ये घना जंगल है, शायद यहाँ पे कुछ टाइगर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बिकॉज हमें नाखूनों के निशान तो मिले। जब टाइगर किसी एरिया में रहता है तो डियर एक दूसरे को अलार्म देते हैं, तो एक दूसरे को साउंड से वो बताते हैं कि यहाँ पे टाइगर है। ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं पानी में, ये बोलते हैं स्टिंग बर्ड्स। अब ये फिश खाने के लिए पानी में उतर गए, जब वो फिश खाने के बाद बाहर आते हैं तो वो अपना बर्ड सुखाते हैं तो वो अपने विंग सुखाने बाहर आ जाते हैं। ये बर्ड है ब्लैक स्ट्रोक बर्ड, ब्लैक नेक स्ट्रोक बर्ड। लेट मी शो यू द क्लोज व्यू।
सी ये बर्ड है ब्लैक नेक स्ट्रोक बर्ड। ये जब चलता है तो ये जैसे रैंप वॉक करते हैं वैसे ये बर्ड चलता है, बहुत ही प्यारा बर्ड है। ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे हर साल मार्च मंथ में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी काउंटिंग होती है, और लास्ट टाइम इन्होंने जब काउंटिंग किया था तो जो राइनोज है उनकी वो 2600 के अमाउंट में, लाइक जितना क्वांटिटी उनकी है तो 2600 के इसमें थी। काजीरंगा नेशनल पार्क 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एंड लास्ट वाला है कोडा। तो हम अभी सेंट्रल पार्क में से ट्रैवल कर रहे हैं। ये है एलिफेंट एप्पल्स, एलिफेंट का फेवरेट फ्रूट रहता है। हमें यहाँ रास्ते के किनारे एक कोबरा स्नेक दिखा जो ऑलरेडी इंजर्ड था, बट गाइड ने हमें बोला था कि उसे हाथ नहीं लगाना है। एलिफेंट सफारी का पर पर्सन रहता है क्या? क्या 700 900? ओके, और अगर फैमिली रही तो वो सारे जो एलिफेंट राइड रहते वो एक साथ आते हैं। अच्छा, राइड हमने 7:45 स्टार्ट की थी और अभी 9:10 हो रहे हैं, हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं। सो नियर अबाउट वन और वन एंड हाफ आवर लगता है ये राइड के लिए। पाइथन स्नेक, और देखिए यहाँ पे वो जो वुड आपको दिख रहा है उसके ऊपर एक छोटे छोटे 3 से 4 टर्टल बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं ऊपर। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो मैं आपको कुछ डिटेल्स भेजती हूँ जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। And now it's time for elephant ride. यहाँ पे आपको बहुत जगह पे हाथी मिलेंगे, जंगल सफारी के अंदर भी और जंगल सफारी के बाहर भी। तो अगर आपको एलिफेंट राइड लेना है तो आप यहाँ पे एलिफेंट राइड ले सकते हैं। नीलकंठ पंछी, इसे इंडियन रोलर बर्ड भी बोला जाता है। Style. Style is the answer to everything.